हाँ मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो। और मजाक बनाना है बना लो, बॉडी शेमिंग करनी है कर लो। हाँ मेरे मेल बूब्स हैं बिकॉज दिस इज रियल मी। हाँ मेरे एब्स नहीं है बट आई एम ओके विद दैट। और कई लोग तो यहाँ तक चले जाएंगे मेरे प्राइवेट पार्ट्स में प्यूबिक हेयर है। हाँ व्हाट यू गोना सी इज ओनली गोना बी रियल। मुझे कोई मुखौटा नहीं पहनना ये दिखाने के लिए, ओ मेरी बॉडी देखो, ओ मेरे एब्स देखो, लुक एट मी, आई एम सो परफेक्ट। लेट मी टेल यू, नोबडी इज परफेक्ट। जो भी आप अपने इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो, अपने एक्टर्स देख रहे हो, उनके जैसी बॉडी बनाने की सोच रहे हो, दे आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। एक्चुअली वो अपनी वीकनेसेस सब छुपाते हैं अपना कैमरे में। जब वो दिखाते हैं अपने सोशल मीडिया पे अपनी इमेज, लुक एट मी आई लुक सो गुड, पिक्चर परफेक्ट बॉडी, और उस पिक्चर के पीछे कितने फिल्टर्स और कितनी एप्स जस्ट टू मेक देयर एब्स लुक बेटर। यहाँ नहीं होगा ऐसा, इट्स नॉट गोना बी हियर। जो मैं हूँ वो हूँ। कई लोगों के लिए ये साइट बहुत अनकम्फर्टेबल होगी, बोलेंगे अरे यार ये कैसे ऐसे अपने आपको दिखा सकते हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने गलतियाँ करी। I abused anabolics for fitness, just to look good, ताकि आपके कैमरे के सामने आके अच्छा दिखूं। And in return, I fucked my body. But मैं नहीं चाहता you make the same mistake. कि साला तुम्हें भी बस फिट होना और उसके लिए अच्छी बॉडी। चलो अब तुम बोलोगे नहीं नहीं सर हमारे पास तो गोल है, हमें तो अच्छा दिखना है। यार कब से हमने सिक्स पैक को फिटनेस मान लिया यार, आई मीन व्हेन डिड दिस हैपन? कब से हमें ये लगने लगा कि जिम जाके हेल्दी होना इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मसल्स? मैं भी उसी चीज का शिकार हुआ ना, कि जिम जाने का मतलब है अरे यू नीड टू पैक ऑन सम मसल मास, आपके तो मसल्स होने चाहिए। फिर जब मसल्स होंगे ट्रेनर्स के पास जाएंगे, सर मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, मैं कौन सा? वो ट्रेनर्स आपको एक मिनट नहीं लगाएंगे रेकमेंड करने में, अरे तू ये साइकिल स्टार्ट कर ले, अरे मैं बैठा हूँ ना मैंने लिया है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो 18 साल का अगर आपके जैसा लड़का होगा और बोलेगा ठीक है सर दे दो मुझे कुछ नहीं होगा तो, लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। हाँ अरे कोई बात नहीं तू टैबलेट खा ले, टैबलेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टीविटामिन भी तो खाते ही हो, ये भी खा लो। एंड व्हाट यू गोना डू, यू गोना टेक दैट टैबलेट एंड दैट टैबलेट विल फक योर लिवर। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स ना। जो एनाबॉलिक शुरू करता है उसको इंजेक्शन से डर लगता है, सुई से डर लगता है, तो वो क्या करता है टैबलेट से शुरू करता है। और टैबलेट्स ज़्यादा नुकसान करती है इंजेक्शन से, बस बॉडी बन जाए। अपने सब देसी इन्फ्लुएंसर्स से पूछे जा रहे हैं कि भाई बॉडी बताओ कैसे बनेगी, और वो भी ज्ञान पेल रहे हैं दबा दबा के, करते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं। ये आपको भी पता है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एनी बॉडी बिल्डर और एनी कोच। और एक तो बॉडी बिल्डर को लगता है जब से मैंने ये स्टेरॉयड सीरीज शुरू करी, अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया है, पता नहीं उनको पर्सनल एजेंडा हो गया कि यार ये तो क्यों बोल रहा है ये सब। अरे यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। आप जो बॉडी बिल्डिंग में करते हो एज अ बॉडी बिल्डर इट्स डिफरेंट, बट हर एक को बॉडी बिल्डर नहीं बनना, कहीं के जेनेटिक्स ही नहीं होते। जैसे मेरे जेनेटिक्स ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग करने के, आई एम अ फेल्ड बॉडी बिल्डर, बट मुझे फिट तो रहना था, फिटनेस में तो रहना है ना सबको, आपको सबको अपने ऑर्गन हेल्दी रखने हैं। लेकिन फिट रहने के लिए भी अब एनाबॉलिक्स की जरूरत पड़ती है लड़कों को। फिट रहने के लिए भी आपको ये देखना है कि यार मैं कौन सी गोली खा लूँ, कौन सी टैबलेट खा लूँ, कौन सा इंजेक्शन लगा लूँ, क्यों यार क्यों? इस बॉडी में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, इस बॉडी में तुम्हें बहुत चीज़ें तुम मेरे बारे में बोलोगे, अरे देखो इनके तो आम सूख गए, अरे ये तो वायग्रा लेता था, देखो जब वायग्रा लेगा तो यही होगा। हाँ पैंटचोद, हाँ लिया वायग्रा, हूज पेइंग द प्राइस फॉर इट? मी। अब बोलोगे दारू पीता था, हाँ मैंने कैमरे पे दारू दिखाई बट किसी ने वो नहीं देखा कि दारू के बाद का मैसेज क्या था, डोंट ट्राई दिस बट फक इट इज माई मिस्टेक, आई ओन अप फॉर इट, यस आई फकिंग डिड इट। हर जाना भी मैं भुगत रहा हूँ ना, इससे क्या सीखने को मिलता है तुम्हें, क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है ना कि इफ यू पुट शिट इनटू योर बॉडी विल गेट शिटियर। हाउ मेनी टाइम्स एनीवन विल कम ऑन दिस कैमरा और अपनी मिस्टेक एडमिट करेगा कि हाँ आई वाज फकिंग रॉन्ग, नहीं बनती मैंचोर मैगी से बॉडी, बोला नहीं बनती,
नहीं बनती। और बोलो, आर वी डन विद दिस? हाँ, वाइग्रा भी दिखाया मैंने एज अ प्री वर्कआउट और लिया भी। इट वर्क्स और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। सो व्हाट, मूव ऑन। आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, बट आई ऑल्सो नो देर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स, बट वो कभी कैमरा के सामने आके माफी नहीं मांगेंगे। किस चीज की माफी है? इफ आई डिड इट, आई मे हैव इन्फ्लुएंस्ड सम पीपल जिनको ये बात बुरी लगी हो। अगर आपको बुरी लगी हो मेरी वो बात, आई एम सॉरी, बट अब जो मैं बात आपको कह रहा हूं ना, वो कान में दिमाग में डाल लो कि इट्स नॉट अबाउट योर स्टेरॉइड, इट्स नॉट अबाउट योर सिक्स पैक, इट्स अबाउट योर हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ का सवाल है अब। तुम तो जिम जाते हो बॉडी बनाने के लिए, पीछे से तुम्हारे घर वालों को चिंता बनी रहती है कि यार ये जा तो रहा है जिम में, पता नहीं किसी की बातों में आके कुछ गलत चीज़ ना खा ले। पेरेंट्स डरते हैं लड़कों को जिम में भेजने से, और बुरा हाल, हार्ट अटैक। अरे यार, जिम में जाके कब से हार्ट अटैक होने लगे? हार्ट अटैक जिम में नहीं हो रहे, लेकिन जो आप खा रहे हो ना, ये जो शॉर्टकट एनाबॉलिक से जो चीज़ें खा रहे हो, टैबलेट खा रहे हो, उस टैबलेट में क्या है, उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं। और नाम किसका बदनाम हो रहा है? जिम का। पहली बात तो एक कान खोल के सुन लो, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। इंजेक्शन घुसेड़ने हैं पीछे, देन थिंक ऑफ बिकमिंग अ प्रो बॉडी बिल्डर, जहां से तुम अपनी पैसे कमाओ। बट अगर फिट रहना है, फिट रहने के लिए यू डोंट नीड एनी एनाबॉलिक्स, यू डोंट नीड एनी शॉर्टकट्स, यू डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज आप अगर फिटनेस में हो, आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना, जो मैं मानता हूँ 99% लोग वर्ल्ड में यही है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी सिर्फ 1% है, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ स्पॉट। और एक बॉडी बिल्डर को ही पता होता है वो किस दौर से गुजरता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, इट्स टफ। बट 99% जो आप लोग हो मेरी तरह, जो ये देख रहे हो, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू एंड अप लाइक मी? आपको भी मेरी तरह ऐसे ही आना है कि जब तक कोई किडनी की डिजीज नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक ब्लड प्रेशर का कोई डिजीज इशू नहीं आएगा, जब तक घर वाले आपके साथ जुड़ नहीं जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा आपका हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, तब तक आपको होश नहीं आएगा क्या? आपको भी इसी की वेट हो रही है क्या? आर यू वेटिंग फॉर दिस? लेट मी टेल यू दिस, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने लेना शुरू कर दिया शॉर्टकट और आपकी बॉडी रेडी नहीं है, बहुत जल्दी साइड इफेक्ट आ जाएंगे। और दूसरी बात यार, ये तो, और दिस वीडियो मैं फिर बोलूँगा, इज नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। अरे बुद्धि लगाओ अपनी यार, थिंक अबाउट इट। आई लव बॉडी बिल्डिंग, आई लव दिस स्पोर्ट, व्हाई द फक विल आई शिट अबाउट बॉडी बिल्डिंग यार? आई लव बॉडी बिल्डर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल द स्पोर्ट, द बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डर्स। आई एम टॉकिंग टू अ गाय, 99% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो सिर्फ जिम जाते हैं अच्छा दिखने के लिए। I don't want those 99% people to take steroids. क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना कैसे लेना है। मुझे उस ट्रेनर से घंटा फर्क नहीं पड़ता जो एनाबॉलिक्स की बातें कर रहा है, मुझे उस कोच से कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपको एनाबॉलिक्स बेच रहा है। क्यों? बिकॉज आई एम श्योर उसका कोई मोटिव होगा, मे बी ही मस्ट बी डूइंग इट, यू नो, टू प्रेप हिज स्टूडेंट्स फॉर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। वो अलग स्पोर्ट है, बट आपको तो कॉम्पिटिशन नहीं खेलना, आपको तो अच्छा दिखना है, आपको अपनी लड़की को इम्प्रेस करना है, गर्लफ्रेंड को, या आपको आपका एक्स गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, या अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना है, या आप किसी दोस्त की शादी है, बहन की शादी है, आपको अच्छा दिखना है, उसके लिए स्टेरॉइड्स लोगे यार क्या? उसके लिए पिल्स लोगे अपनी बॉडी में? साला पता लगा शादी में गए और वहीं फट चक्कर आ जाएगा। चक्कर से याद आया, मुझे 3 से 4 बार चक्कर आया लाइफ में, बेहोश हो गया था, समझ नहीं आया था क्या करूँ अब। माई वाइफ वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, क्या करूँ, ये तो मेरे से उठेगा भी नहीं। आई फेंटेड डिहाइड्रेशन, बिकॉज ये जो आप ड्रग्स लेते हो, ये आपकी किडनी पे हार्श होता है, जब आपकी किडनी पे आपका डैमेज आता है तो बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड, और उस डिहाइड्रेशन से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है और यू फेंट। फेंट का मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट, आपको कुछ समझ नहीं आता आप कहाँ हो। यही चाहते हो? अब भी हंसोगे इस बॉडी पे? अरे यार, एटलीस्ट मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आई एम रिकवरिंग। वो बॉडी जो पुरानी मेरी बॉडी थी, जो आप देख रहे थे, वो वॉज नॉट हेल्दी, इट वॉज नॉट हेल्दी फॉर मी।
कईयों के लिए वो हेल्दी हो सकती है यार, बट वो मेरे लिए हेल्दी नहीं थी एंड इट गेव मी साइड इफेक्ट्स। मैं अब आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सबकी बॉडी ऐसी होती है, सबकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता ये चीज़ आपके साथ हो। प्लीज़ एंड गेट कम्फर्टेबल विद योर बॉडी। और मैं ये वीडियो शर्टलेस इसीलिए बना रहा हूँ आपके लिए, मुझे तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता अब यार। आप मेरी बॉडी देख के मेरा मजाक बनाओ, मुझे बोलोगे कि अरे ब्रा पहन ले यार, तेरे तो मेल बूब्स हैं, मुझे दबाने का मन कर रहा है, जो मैं कमेंट्स देखता हूँ फक दैट शिट, आई डोंट फकिंग केयर। बट अगर इन वीडियोस देख के, मेरे वीडियो देख के 1% लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए ना अपनी बॉडी पे, ठीक है यार मेरे मेल बूब्स हैं बट आई एम कम्फर्टेबल विद इट यार, मुझे कौन सी मॉडलिंग करनी है, मुझे कौन सा कोई फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है यार, एटलीस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा हार्ट अच्छा है, मेरी किडनीज अच्छी है, मेरा लिवर अच्छा है, सो वाट, आई एम हेल्दी, आई कैन हैव किड्स, यू नो आई हैव अ ग्रेट सेक्स लाइफ, हाउ डज इट मैटर। इसीलिए मैं यहाँ खड़ा होकर इस बॉडी को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए इट्स ओके टू हैव अ बॉडी लाइक दिस, कम से कम अंदर से तो हेल्दी हो। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ अब देखो मैं इस बॉडी को कैसे करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म, फिर आपको दिखाऊंगा आज से 100 दिनों में माई ट्रांसफॉर्म बॉडी, फक डैट, बॉडी तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्या वो बॉडी मेंटेन करवाएगा कोई? कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डर कर पाया? अर्नोल्ड कर पाया क्या? स्टेलोन कर पाया? कोई भी नहीं कर पाता यार। बॉडी इज टेम्पररी, वॉट यू आर लेफ्ट विद इज योर माइंड सेट, दैट इज ऑल। बॉडी तो चली जाएगी, इट्स टेम्पररी, बट वॉट यू लेफ्ट विद इज लॉन्जिविटी, वॉट यू लेफ्ट विद इज योर हेल्दी ऑर्गन्स, कि आपको कैसे आपकी लाइफ आगे जाएगी। आज तो बॉडी बना लोगे, कल क्या पता कि आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे, वो तो मुझे सही टाइम पे होश आ गया, वरना आपको भी मिलता अनदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर डाइट ऑफ स्टेरॉइड्स, यही सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कई लोग तो, राइट, यही सुनने को दिखते को मिलता भी अपने को, बट थैंक गॉड दैट डिडंट हैपन, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल माई वेल विशेस, थैंक यू फॉर ऑल माई डॉक्टर्स, माई फैमिली हु सपोर्टेड मी। ये वीडियो आपके लिए, गेट कंफर्टेबल विद योर बॉडी, इट्स टाइम वी स्टॉप ग्लोरिफाइंग बॉडीज विद सिक्स पैक एब्स, की मतलब सिक्स पैक एब्स ही मैं अपने दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अगर आप सबके फेस हटा दो, सबकी बॉडी तो एक जैसी दिखती है यार, क्या कर लिया उन्होंने सिक्स पैक एब्स से? और आपने उनसे पूछा सिक्स पैक ऐप्स के बारे में बता के, उन्होंने क्या आपको सही बातें बताई? चलो कईयों ने बता दी होगी, नहीं बता दी होगी, अगर बताई भी तो आपके बने क्या सिक्स पैक ऐप्स? नहीं बने ना, बिकॉज नोबडी इज़ गोना टेल देयर साइकिल जो उन्होंने पीछे करा। मैं सभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को भी कहूँगा यार, बी फकिंग रियल, जो हो वो दिखाओ, इट्स टाइम वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग व्हाट रियल फिटनेस इज। रियल फिटनेस इज अबाउट बीइंग यू, आई एम बीइंग माय सेल्फ, नो हिडन एजेंडा, no fucking filter, nothing, what you see is what you fucking get, take it or leave it। aur mere sare videos ab aise hi honge, raw and real, sirf aur sirf aapko ye dikhane ke liye the true reality of fitness, kaise aap apne aap ko healthy kar sakte ho yaar, how you can do this, you don't need shortcuts for that, you don't need to have greek god body or what do you call it, chida gag, I don't even fucking know that name, why, kya hoga, meri diet, meri supplements, meri steroid cycle, meri training, arre yaar there's a life beyond that too, don't let fitness dictate your life, you decide when do you want to go to the gym or anything else you want to do to stay fit, acha khao, acche dikho, sab kuch karo, enjoy life, सो दैट जो आपका आने वाला फ्यूचर है, आने वाले जो साल हैं आपके, वो हेल्दी हो। बिलीव मी, जो मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ ना कि यार मैंने ये अगर ये ना करा होता ना, ये साइकिल वाला ये सब, यू नो, मैं अगर ये ना करता तो शायद मेरी लाइफ, शायद मैं 5 साल और ज़्यादा जी सकता था, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी बची हुई, आई डोंट नो, नो वन नोज दैट, राइट, बट आई डू फील स्टेरॉइड्स का इफेक्ट होता है आपकी बॉडी और आपकी लाइफ पे, अपने साथ मत ये खिलवाड़ करो यार, बस जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगा, स्टे सेफ एंड लव योर फैमिली।